हैं वड़ा पाव, उसके लिए हमारे को चाहिए 6 पाव उबले हुए आलू, जो उसको मैश करके ऐसे कर दें, मैश किए हुए हम चाहिए, खाने वाला ऑयल, मिर्ची, नमक, हल्दी पाउडर, एक कटोरी बेसन, एक कप पानी, नींबू का रस, राई के दाने, अमचूर मसाला, धनिया पाउडर, कड़ी पत्ते, अदरक लहसुन का और टमाटर का पेस्ट, बस इतने से इंग्रेडिएंट में मुंबई का वड़ा पाव बन जाएगा। कढ़ाई रख दी हमने गैस पे, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, बंद कर बापू जी भाई मीडियम, साहब। मीडियम आंच पे राई के और दाने, राई राई के दाने उसमें डाल दिए, अभी थोड़े से करी पत्ता। अब इसमें मैश किया हुआ आलू डालेंगे, अब इसमें स्वाद अनुसार आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा सा अमचूर मसाला। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे मीडियम आंच पे, थोड़ा दो मिनट तक अब 2 मिनट के बाद इसको गैस बंद कर देंगे। अब उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे साइड में। अब बनाते हैं इसका बैटर गोल। अब बेसन में, सूखे बेसन में नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, अब इसमें सूखे हुए थोड़ा सा मिलाएंगे। थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे अब इसमें, जैसे लम्स ना आए। अनिते से मिलाते रहे तो ये भी बेटर इस तरह का बन जाएगा, जिसमें जैसे लम्स ना हो, इतना पतला भी ना हो, इतना गाढ़ा भी ना हो। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, नींबू का रस जैसे मिलाएंगे तो ये हल्का हल्का फूल जाएगा, फूलने में बहुत अच्छा उसमें जो टेक्सचर आता है, इस तरह का देखना चाहिए। अब ये हमारा आलू ठंडा हो गया है, अब इसको हाथ में लेके ऐसे बॉल बनाएंगे बड़ा की शेप में, आप अपने हिसाब से देखो साइज के हिसाब से। तो अब हम दूसरी तरफ से
कढ़ाई रख दी है तेल गरम करने पे फुल आंच में। जैसे देखें तेल गरम हो जाए लेके अब ऐसे बेसन में डिप करके डालेंगे हम इसमें आंच को आंच पे। अब आंच को आंच जो है मतलब ना मीडियम पे। मीडियम फ्लेम पे रखना है। 3 बॉल डालेंगे। अभी हम पहले 3 बॉल डालेंगे। कम से कम 2 मिनट तक पलटना नहीं है। अगर आप चाहो तो धीरे धीरे घी को ऊपर से डाल दें। अब 2 मिनट के बाद ये गोल्डन और थोड़ा थोड़ा क्रिस्प होने लगे हैं। अब हमने इसको पलट दिया है। इस तरह का गोल्डन होना चाहिए। अब हम निकाल रहे हैं इसको प्लेट में। दूसरे भी इस तरह के 3 और हम बना लेंगे। अब इनको बड़ा को हम आधा आधा काट लेंगे। इस तरह। अब हम इसके ऊपर अदरक टमाटर लहसुन का जो पेस्ट बना हुआ है इस पे लगाएंगे पाव पे इस तरह का। अब हम इस पे एक कबाड़ा रख के पाव बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है और झटपट बनने वाला है ये। उस पे खा के पूरा यमी यमी हो जाओगे आप। चलो ये अभी आपका ये रेडी हो गया पूरा मुंबई बड़ा पाव। अभी हमारा बन गया है मुंबई वड़ा पाव विद केचप के साथ मज़ेदार।